समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है, ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अब हमें लगता नहीं कि इनको कानून पर विश्वास है। भारत सरकार को पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है, जो है जो कानून व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए। इतना लाखों करोड़ रुपये जो खर्च हो रहा है, क्यों भाई? जब आप ही सरकार चला रहे हैं, आप ही न्याय दे रहे हैं। अब बताइए, वो लड़का पढ़ने वाला लड़का था, आपने मार दिया, क्या संदेश देना चाहते हैं? किसी की औलाद को मार देते हैं? कानून है, प्रक्रिया है, जज है, अब क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? लोग तो अब वोट देने से डरेगा भाई। अब तो लोग ये भी कह रहा है, अगर जितने भी जो समझदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी जात के लोग हैं, वो भी अब कह रहा है कि नहीं, कौन सा भाई, कौन सा गुंडागर्दी की सरकार है भाई, आप एकदम किसी का जान लेने पर आतुर हो चुके हैं। ये अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए, और अगर भाजपा को जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास नहीं है तो बंद कर दीजिए, पूरे देश का कानून व्यवस्था बंद कर दीजिए। मैं मोदी सरकार से मैं मांग करता हूँ कि बंद कर दीजिए। क्या के लिए सुप्रीम कोर्ट रहेगा भाई? क्या के लिए हाई कोर्ट रहेगा? क्या के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, जहाँ जब आप उसकी आवश्यकता ही नहीं है? आप देखिए, इनकम दिए, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसको अविलंब बर्खास्त करना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मैं मांग करता हूँ, ताकि कम से कम लोकतंत्र जिंदा रहे। मेरा ये लगता है कि अंग्रेज वाला लोग है, देखो गोली मार दो, देखो फांसी में चढ़ा दो। ये अच्छी बात है, किसी का ही बच्चा हो मैं उसकी निंदा करूंगा। बताइए, कोई औला तो मार दे, बाप जेल में औला तो मार दीजिएगा आप। बड़ा टेररिस्ट था क्या ये? जाके दिल्ली में देखते हैं कि बेचारा नमाज पढ़ के निकल रहा, उसको आप गोली मार दिए, पजामा पहना हुआ, भागना होता कहीं भाग जाता। लेकिन चलिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, योगी जो है ना, इसका अंतिम में है, ये दोबारा नहीं जीते गए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।